मैडम, मसला पामेला गोस्वामी का हो, आर्यन खान का हो या नाजिया इलाही खान का हो, शिकंजे में बीजेपी ही क्यों आती? लिसन, आई एम नॉट अ नीदर आई एम मोरोनिक नॉर आई एम वैगाबाउंड टाइप ऑफ पर्सन. आई एम कम्प्लीटली एडुकेट विथ जुडिशरी सिस्टम. मैं तो क्या पैमेला गोस्वामी हो या आर्यन खान हो, इट्स अ मैटर ऑफ जुडिशरी. तो जुडिशरी पे ही हम सबको भरोसा करना चाहिए. बाकी जहाँ तक आपने बीजेपी की बात कही है, उसको खोद कर निकालने की पूरी पूरी जिम्मेदारी कोर्ट की होती है, और आप मीडिया वाले अच्छा काम करते ही हैं, मैं यही कहना चाहूँगी. जिस तरह आर्यन खान के केस में बीजेपी के नेताओं का एनसीबी के साथ पता चला, सूत्रों के हिसाब से आप पर हुए मामले में भी बीजेपी नेताओं का अहम रोल रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस कि जिस इंसान ने मेरे ऊपर केस किया है और जिसकी वजह से मैं पुलिस कस्टडी और जेल कस्टडी में थी, उनका उठना बैठना या उनका मेल जोल बीजेपी नेताओं के साथ रहा है, इसकी कोई जानकारी मुझे रही नहीं है. हाँ, मुझे सिर्फ इतना पता था कि उनका कोई वकील था जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो बीजेपी लीगल सेल के थे और साउथ के बीजेपी नेता थे. तो एक वकील का अपना एक प्रोफेशन होता है जिसको वो लेकर चलता है. तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ बोलना चाहिए, बिकॉज़ मैं एकदम से अवेयर नहीं हूँ इस मैटर को लेकर के, इस मामले को लेकर के. मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि आर्यन खान का गिरफ्तारी को लेकर उसकी मासूम जिंदगी के साथ खिलवाड़ की जा रही है, और उसके जो वालिद है शाहरुख खान, उनकी कैरियर पर कहीं ना कहीं धब्बा लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जब हम बहुत नाम शोहरत वाले हो जाते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो एनवे जेलेसी की वजह से ऐसा होता है. फिर से मैं यही कहूँगी कि 23 साल का लड़का है, बहुत कम एज का है, और जहाँ तक मैंने इस न्यूज़ को फॉलोअप किया है और जितनी भी बातें मुझे पता चली है, कि किसी भी तरीके का कुछ भी उसके पास से मिला नहीं है, और मेडिकल रिपोर्ट का भी कुछ अता पता चल नहीं रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़ी बहुत रिहाई करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 23 साल का लड़का है और उसका पूरा करियर जो है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए. रही बात कि आपने कहा कि शाहरुख खान के ऊपर कोई डिपेंड क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहावत है कि हाथी अगर मर भी जाए तो 1.25 लाख का होता है. तो जो लोग या ऐसे कोई सिचुएशन जब ऐसे लोगों पर आते हैं, तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं उसको फेस करने के लिए. वो लोग अंदर से एक उनका एक स्ट्रांग पावर होता है जिससे वो उसको बहुत अच्छे से फेस करते हैं. सिर्फ मात्र और मात्र 23 साल का बच्चा जो अ बेबी बॉर्न विथ अ डायमंड स्पून, फिर भी आज वो खामोशी से पुलिस कस्टडी भी सहा है, वो जेल कस्टडी भी सह रहा है. तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान की तरह उनका बेटा भी बहुत स्ट्रांग है. एक तरफ तो सिर्फ 59 ग्राम हीरोइन की बात की जाए, और एक तरफ 3,000 किलो हीरोइन की कंसाइनमेंट की बात की जाए जो गुजरात के पोर्ट पे उतरा था, तो कहीं ना कहीं इस मामले को आगे बढ़ाकर उस मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है, आपकी राय क्या है इस बारे में? देखिए, क्राइम इज क्राइम एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स. तो मुझे लगता है कि जितना भी आप क्राइम को छुपाने की कोशिश करेंगे, वो कभी छुपेगा नहीं. और अगर आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं या आप अगर किसी के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो आज नहीं कल वो सामने आ ही जाता है. हाँ, कुछ वक्त के लिए इंसान को झेलना पड़ता है, कुछ वक्त के लिए उनके लिए बहुत ही खराब सिचुएशन होता है, बहुत कुछ उनको कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन क्राइम सामने आ ही जाता है. लखीमपुर आसाम और जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में जो दरिंदगी देखने को मिली, इससे इंसानियत का मेयार किस कदर गिर चुका है और हुकूमत बिल्कुल खामोश है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? एक साथ 8-9 लोगों को गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, और वहाँ के जो एमओएस के लीडर हैं बीजेपी के आशीष मिश्रा, उनके लड़के को गिरफ्तार करने में पुलिस को नाको चना चबाना पड़ती है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जो हादसा हुआ और जितने लोगों की जान गई, उनके साथ मेरी सहानुभूति है और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि किसान जो होते हैं वो हमारे हीरो होते हैं, वो अन्नदाता होते हैं.
और किसान की वजह से आज हम आराम से बैठ करके घर पे खाना खा पाते हैं, अपना पेट भर पाते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और लखीमपुर के जितने भी SP हैं, DSP हैं, उन सबको मैं अपील करना चाहूँगी कि इमीडिएट इसको किसी रिपार्केशन पर लेकर आए, क्योंकि जनता हमेशा रिपार्केशन चाहती है एज वेल एज मीडिया। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी ना किसी रिपार्केशन की बहुत ज़रूरत है, एक एक्टिव स्टेटमेंट और एक्टिव एक्शन की बहुत ज़रूरत है पुलिस द्वारा। और मुझे भी बहुत बुरा लगा जिस तरह से किसानों की जान गई, मैं बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक खबर थी। BJP के बड़े लीडर जो है वो बेरोजगारी पे कोई बात करना नहीं चाहते, गोदी मीडिया उनसे सवाल करना नहीं चाहती और अपोजिशन से सवाल करती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गोदी मीडिया का रोल इन दिनों मुल्क को बर्बादी की तरफ नहीं ले जा रही है? देखिए, मीडिया का अपना एक इंडिपेंडेंट रोल होता है एंड नो वन कैन क्वेश्चन अगेंस्ट देम। तो मुझे ऐसा लगता है आप भी मीडिया वाले हैं, आपने मेरे से सवाल करना स्टार्ट किया, सो आई कांट एस्केप माई सेल्फ ना, आई कांट हाइड माई सेल्फ, मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि जिससे पूछा जा रहा है वो कितना सही है। आप मीडिया अगर गोदी हो या ना हो, उनके सवाल का अगर आप सही जवाब देंगे तो पब्लिक तक सही मैसेज पहुँचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने इंडिविजुअली मीडिया अपना काम कर रही है और जो नेता और जो लीडर्स और जो डिबेट पर जो लोग बैठते हैं उनको अपना काम करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की तरफ और जनता के हित में बात करनी चाहिए। मैडम, 2014 से पहले 2019 के बाद BJP में किस तरह की तब्दीली महसूस कर रही है? 2017 में मैंने ज्वाइन किया था, 4 जनवरी 2017 को ज्वाइन किया था, और अभी 2021 आते आते तक पश्चिम मैं बाकी स्टेट में बहुत जगह मैं गई हूँ, मुझे हर जगह बहुत बैलेंस दिखता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा होने लगा है। जैसे जिस तरह से दिलीप घोष जी ने कहा कि वो मुझे नहीं जानते हैं, तो क्या वो बाबन घोष को भी नहीं जानते थे? तो ये जो ल्यूपहॉल है ना कि जब कोई जुडिशरी मैटर आता है, जब कोई बहुत अजीब सा मैटर आ जाता है जहां पर पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कार्यकर्ताओं का या लीडर्स को, तो वो हाथ झाड़ देने वाली जो चीज होती है वो गलत है। आज हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लिए, हमारी फैमिली स्ट्रांग है, हमने लड़ लिया। लेकिन जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सोर्स नहीं है, जो पार्टी की वजह से किसी ना किसी वजह से जो आज भी जेल खट रहे हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा? इस तरह से अगर दिलीप घोष जी सबसे हाथ झाड़ देंगे तो उनका केयर कौन करेगा, उनका गार्जियन कौन बनेगा, जो झंडा बांधने के लिए भी अरेस्ट हो रहा है, जो मंच बनाने के लिए भी अरेस्ट हुआ है, जिन लोगों की जाने गई हैं, आप जान जाती है, आप जाकर के उसको BJP का फ्लैग उड़ाते हैं, लेकिन उसके परिवार को पलट कर देखना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप BJP के कार्यकर्ताओं की अगर जान जा रही है या वो जेल जा रहे हैं तो पीछे वो पूरा परिवार भी तो छोड़कर जा रहा है, उसको कौन देखेगा? तो पीठ मोड़ने की जो एक नया ट्रेंड पश्चिम बंगाल में चला है वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इन दिनों बहुत सारे लोग BJP से निकलकर TMC में जा रहे हैं, खासतौर से बड़े बड़े लीडर जो है वो। अभी हाल ही में आपने सुना होगा सब्यसाची दत्ता ने भी TMC ज्वाइन कर लिया, तो क्या ऐसा मैं नाज़िया इलाही से सवाल कर सकता हूँ कि नाज़िया इलाही भी TMC में जाने का इरादा या मन बना रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब्यसाची दत्ता जी, मैं उनको दादा बोलती हूँ, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी घर वापसी के लिए, और जिस तरह से उनका एक महत्वपूर्ण अहम रोल रहा था TMC में, वो कहीं ना कहीं वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट उनको BJP में नहीं मिल रहा था, तो आज अगर उन्होंने घर वापसी की है ये उनके लिए बहुत अच्छा है, और आज भी जो मेरा उनसे भाई बहन का रिश्ता है वो बिल्कुल रहेगा। लेकिन नाज़िया इलाही खान ने TMC जाने का कोई भी प्लान प्रोग्राम नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 5 साल से कर रही हूं और इंशाल्लाह वल रहमान आगे भी करूंगी। अगर दीदी की तरफ से दावत मिली तो कि TMC ज्वाइन कर लो, क्या करेंगे उस वक्त? मैं उनको जाकर के भारत माता की जय बोल कर आऊंगी। उनके जीत पे आप उनको